आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटे स्ट्रीट फूड स्टाइल रगड़ा चाट की शानदार सी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सेम तरीके से आप इसे बना के एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार रेसिपी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपिका किचन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मटर लिया है, ये 100 ग्राम के करीब मटर है। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। मटर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गया है, तो हम इसे उबाल लेते हैं। उबालने के लिए मैंने इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और ये 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पानी हमारा इतना होना चाहिए कि मटर हमारे जो है इसमें डूब जाएँ और इसका ढक्कन लगा के कम से कम हमें 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। 5 सीटी लगने के बाद जब तक कुकर हमारा ठंडा होगा तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो ये गरम पैन में मैंने 2 टेबलस्पून लिया है सरसों का तेल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमारा जीरा अब क्रैकल हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये कटा हुआ प्याज, ये एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज है। प्याज को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च। प्याज हमारा लगभग भून चुका है तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1 चम्मच गरम मसाला और लगभग 2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस चाट में थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसालों को लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। तो ये मसाले हमारे तेल में थोड़े से भून गए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमने मसालों के बाद इसलिए डाला है जिससे ये हमारे जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है जिससे ये हमारे मसाले और टमाटर जो है अच्छे तरीके से पक जाएँ। और अब हम इसे ढक के तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल ना छोड़ने लगे। तो हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। लगभग 3 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और इस स्टेज पर हमें ऐड करेंगे मटर। मटर को मसालों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी थिक लग रही है तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लगभग 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा रगड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसमें जो आलू है इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। मटर हमारा पहले से ही बॉयल था तो इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। तो हमारा रगड़ा जो है रेडी हो चुका है। चलिए हम इसकी बहुत ही खूबसूरत सी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाट को एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसकी बहुत ही अच्छी सजावट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर से ऐड किया है ये फेटा हुआ दही। दही को बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लें और इसके बाद हम ऐड करेंगे ये कटा हुआ प्याज। ये बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, प्याज को बहुत ही बारीक बारीक काट लें। और इसके बाद हम ऐड करेंगे ये सूखी पापड़ी और ये कुछ आलू के चिप्स। चिप्स को तोड़ के आप इसके ऊपर से ऐड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी, चाट मसाला। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सेव भुजिया। ये देखिए तो ये सेव भुजिया ऐड कर दिया है मैंने। इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर देंगे जिससे ये थोड़ा सा कलरफुल दिखे। आप चाहे तो इस पर कटे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए तैयार हमारी स्ट्रीट फूड स्टाइल रगड़ा चाट की शानदार सी रेसिपी। तो जब कभी भी आपको डिफरेंट स्टाइल में कुछ चाट खाने का मन हो तो आप हमारी इस रगड़ा चाट की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप हमारे इस रगड़ा चाट की रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।